एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब फाइनली वो दिन आ गया, 1 नवंबर सुबह के 11 बज चुके हैं, यानी RRR मूवी का जो ग्लिम्स है वो अब हम लोग के सामने आने वाला है। और इसको लेके एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि बस कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, स्पेशली कल इंडिया के हारने के बाद। तो दिस इज द ओनली थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। और क्योंकि पहली बार देखिए मूवी के अंदर जाने वाले, वर्ल्ड ऑफ RRR देखने वाले। इससे पहले हम लोग रामा राजू का टीजर देखे, भीम का टीजर देखे, लेकिन वो उनके इंट्रोडक्शन टीजर थे। वो विजुअल्स, वो शॉर्ट्स एक्चुअली में कितने होते हैं मूवी में, कुछ कुछ ही हो गए, बाकी तो उनका इंट्रोडक्शन किया गया है इस तरह से। और मेन जो मूवी का स्टोरी है, जो उनके कैरेक्टर्स हैं और भी सारों को एक साथ देखने का जो मौका है, वो इस ग्लिम्स के थ्रू हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। रामा राजू देख लिया, भीम देख लिया, अब बारी है भीम एंड रामा राजू देखने के लिए। अब बहुत चीजें सुनने में आई है कि इसमें सारे लोग हैं, टाइगर शॉट है, मतलब टाइगर और जूनियर NTR वाला जो है वो शॉट्स है, और कुछ तो इतने स्टनिंग विजुअल्स है, मतलब जो जो सुनने में आया है, मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन आई एम डेड श्योर कि सारे के सारे सही होने वाले हैं। अब हम ये भी सोच रहे थे कि भाई 45 सेकंड का ये वीडियो है, 45 सेकंड में आप ऐसा क्या दिखा सकते हो, मतलब 45 सेकंड तो यूं चुटकी में निकल जाते हैं यार, एक मिनट से भी कम। तो उसमें आप ऐसा क्या दिखा सकते हो कि सब लोगों के पास शब्द नहीं मिल रहे थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या देख लिया हमने। तो उसको लेके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन हम भूल जाते हैं कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो SS राजामौली है। ईगोला का आदमी नहीं है वो, कहीं और से आया है वो, एंड ही इज अ मास्टर ऑफ मास्टर्स। ठीक है, तो अब बहुत बातें हो गई, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिना देर किए सीधे चलते हैं ग्लिम्स ऑफ RRR, उसके बाद इसके बारे में और बात करेंगे। स्केल देखो यार, पहले शॉट में। ओके, सो हियर इज द टाइगर शॉट, ऊपर से टॉप शॉट है। जूनियर NTR इज इन द हो, तोते उड़ गए कसम से। 45 सेकंड बहुत कम है रे बाबा, कम से कम 45 मिनट का टीजर तो दे। मतलब 45 सेकंड में क्या क्या हो सकता है SS राजामौली करके दिखा रहे, इतने फास्ट शॉट्स, इतने फास्ट कट्स कि बहुत कुछ देखने को मिल गया आपको। स्टार्टिंग सीन ही आपको दिखाता था कि आप बाप लेवल का इसका ग्रैंडियर है, किस लेवल का स्केल है इस मूवी का वो दिखाता है। इतनी सारी भीड़ और बहुत सारे सीन्स में आपको इतने सारे भर भर के लोग देखने को मिले हैं, और वो SS राजामौली ने ब्रिलियंटली पुल ऑफ किया है इसको। जो एंट्री शॉट्स दिखाए गए हैं, जूनियर NTR का टाइगर शॉट दिखाता है वो पूरा टॉप व्यू से, जूनियर NTR भाग रहा है, पीछे टाइगर भाग रहा है, वो सीन तो एपिक होने वाला है। लेकिन टाइगर की दो दो बार एंट्री है, एक शुरू में भी देखने को मिलता है, एंड में अचानक से आ जाता है, वहां तो हम डरी गए, अचानक से आ जाता है। और वो सीन भी जो है एंड वाला सीन, जहां पे पूरा मास फाइट सीन होता है, बहुत ही किसी ब्रिटिश ऑफिस में वो सीन होता है या किसी पैलेस में होता है, वो वाला सीन में जबरदस्त है। वहां पे जो जूनियर NTR का एंट्री होता है वो फाउंटेन वाले, वो तो देख के गूज बम्प आ गया यार। वहीं पे रामचरण का जो आग लिए हुए, रामचरण का एंट्री शॉट, जूनियर NTR का एंट्री शॉट, जो ब्लड इज फ्लोइंग है फ्रॉम हेयर, रामचरण का जो एंट्री शॉट है जहाँ पे एक आंख से हटता है दूसरे आंख के पास आग जलता है, फैंटास्टिक। आई मीन जिस तरह के विजुअल्स देखने को मिले हैं, जिस तरह का BGM तो एक समय दिल ऐसा धक 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 कर रहा है यार, मतलब मजा आ गया। और ये 45 सेकंड का है, लेकिन इसको इतने फास्ट शॉट्स हैं कि इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन किया जा सकता है, जो कि हम करने की कोशिश करेंगे। 20-30 बार बढ़िया से लूप में देखते हैं, और आई एम श्योर कि इसमें से बहुत कुछ निकल के आएगा, जो कि हम लोग 45 सेकंड ऐसे निकल गया, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जिसको तोड़ा जा सकता है। और बहुत फांसी वाले भी सीन्स एक दो जगह दिखाए गए कि मतलब एग्जीक्यूशन होने वाला है किसी का, और वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ बहुत जगह लगी हुई है। अजय देवगन का शॉट्स देखने को मिलता है, और उनका वही हमको लग रहा है कि एक ही सीन में है या क्या पता नहीं, वही वाला गेटअप में हमको मेकिंग वीडियो में भी देखे हैं, इसमें भी देखे हैं, और उनका जो मोशन पोस्टर आया था उसमें भी आलिया भट्ट का बस एक झलक दिखाया गया है, एंड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। उनका आंख में जो इंटेंसिटी, जो पेन टाइप का दिख रहा था, जूनियर NTR इज इंटेंसिटी परसोनिफाइड इन दिस मूवी। अगर कोई मूवी है जो कि ग्लोरी ला सकती है वापस, यानी कि ऑडियंस को वापस खींच के ला सकती है थिएटर्स में, दिस इज द मैन SS राजामौली, एंड दिस इज द फिल्म RRR। आई एम स्पीचलेस, क्योंकि जिस तरह का ग्रैंडियर देखने को मिला, जो मास एलिवेशंस देखने को मिले, फैंटास्टिक, मजा आ गया। इसमें बहुत कुछ है बोलने को, आई नो अभी आई एम ब्लैंक, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी होके निकल गया कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या देखे हैं और क्या क्या नहीं देखे हैं, और प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रॉपर देखते हैं, ब्रेकडाउन रिव्यू बनाते हैं शाम तक, ठीक है, उस वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भर दो, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दो दबा के, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। कुछ और बात करनी तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।